फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन, जिसका नाम है ब्लॉसम्स गार्डनिंग टिप्स। मैं हूं एरिक। दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही छोटी वीडियो आपके लिए बनाई है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एडेनियम के पौधे में से बीजों को कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये देखिए हमारा एडेनियम का पौधा, डेजर्ट रोज, बहुत ही अच्छा पुराना पौधा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें इस पौधे में से फूल मिलते हैं। अब ये देखिए, ये दो चीज़ आपको लंबे लंबे दिख रहे हैं, ये बीजों की फलियां हैं। ये हमारे 8 साल के पौधे में से ही ये फलियां मिल सकती हैं, बीज मिल सकते हैं। छोटे उम्र के पौधे में आपको बीज नहीं मिलना है। ये देखिए, ये भी तैयार हो रहे हैं, इनको कम से कम 2-3 महीने का वक्त लगेगा। अब हम इसे कुछ धागे से बांध करके रखेंगे, इस प्रकार। ये देखिए, हमने बांध करके रखा है इसे। अभी लगभग 2-2.5 महीने हो चुके हैं, अभी ये मैच्योर हो चुका है, सूख गया है। इसे अभी हम हार्वेस्ट करेंगे और इन बीजों को बचा के रखेंगे। एक फल्ली में कम से कम 15 से 18 बीज होते हैं। अभी देखते हैं हमने हमारे पास कितने बीज तैयार हो गए हैं। तो ये है हमारे एडेनियम के बीज। तो इसे अभी हम इन सीड पॉट्स में से उतार देंगे और कुछ वेंटिलेटेड डिब्बे में बंद करके रखेंगे। एयर टाइट डब्बा नहीं होना चाहिए, बीज खराब हो जाएंगे। अगर आपको रखना है बीजों को, थोड़ा सा एंटीफंगल पाउडर मिला करके आप इनको बचा करके रख सकते हैं। ये देखिए, ये है एडेनियम के सीड्स। ये देखिए, ये इस प्रकार से ये बीज का प्रसारण करता है, ये बीजों को उड़ा देता है हवा में और अलग अलग जगहों पे जाकर के ये बैठ जाता है और वहाँ इनका पैदावार हो जाता है। ये देखिए, लगभग 30-35 बीज है, बहुत ही हेल्दी बीज है। तो दोस्तों, ये है हमारा एडेनियम के सीड्स को हार्वेस्ट करने का विधान। मिलते हैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड बाय।